हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। और दोस्तों, ये हमारा बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सीमेंट पे आधारित क्वेश्चनों पर। ये 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, जनरली अ कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। आमतौर पर सीमेंट का एक यौगिक जो कंक्रीट के अधिकांश अवांछनीय गुणों के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है बताइए। अवांछनीय गुण का मतलब होता है वह प्रॉपर्टी जो तुरंत अचानक जो रिएक्ट करें बहुत तेजी से, सडन, तो कौन होता है? तो ये हमारा होता है C3A, ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट। सबसे पहले सीमेंट में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो C3A जो है सीमेंट में मौजूद होता है, वही रिएक्ट करता है सबसे आगे। तो हमारा C3A इज द राइट आंसर। और दोस्तों चलते हैं कुछ बारे में इसके पढ़ने हम लोग। देखिए, ये सीमेंट में चार प्रॉपर्टी होते हैं, चार मटेरियल होते हैं, ठीक है। पहला होता है C3S, दूसरा होता है C2S, तीसरा होता है C3A और चौथा होता है C4AF, ठीक है। इसका मतलब हुआ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, इसका मतलब हुआ डाइकैल्शियम सिलिकेट, इसका मतलब हुआ ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट, इसका मतलब हुआ टेट्राकैल्शियम एल्युमिनोफेराइट। और दोस्तों चलते हैं एक एक करके इस सबके बारे में पढ़ने। तो देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के बारे में, C3S। तो दोस्तों इसकी मात्रा सीमेंट में होती है 40%, ठीक है। और ये इट हाइड्रेट्स मोर रैपिडली। इसका मतलब होता है जब ये पानी के संपर्क में आता है तो हाइड्रेट्स बहुत तेजी से होता है। हाइड्रेट्स मतलब होता है जो पानी के साथ संपर्क में आने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो भाप बनता है, पानी का जो लॉस होता है इसके साथ मिलकर, वही हाइड्रेशन कहलाता है। पानी के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। पानी के साथ जो सीमेंट का केमिकल रिएक्शन होता है वही हाइड्रेशन कहलाता है। ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है C3S में, ठीक है। C3S जो है वो क्या करता है, पानी के साथ केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट हुआ हमारा, इट जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब केमिकल फास्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन जब फास्ट करेगा तो जाहिर सी बात है मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो इट जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और एक पॉइंट है, देखिए एक और पॉइंट है, जैसे कि इट डेवलप्स हाई ईयरली स्ट्रेंथ एंड पोसेस, थर्ड पॉइंट, इट डेवलप हाई ईयरली स्ट्रेंथ, मतलब कि जो शुरुआती स्ट्रेंथ है वो बहुत तेजी से गेन करता है, हाई ईयरली स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड प्रोसेस लेस रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। इसका मतलब होता है कि जो पानी में मौजूद सल्फेट अटैक, इसका मतलब होता है जो पानी में मौजूद सल्फेट होते हैं वो जब सीमेंट को जो करते हैं वो लेस रेसिस्टेंस करते हैं, मतलब कि
सल्फेट अटैक से बहुत कम बचाता है, पानी में जो मौजूद सल्फेट होते हैं उनसे बहुत कम बचाता है सी3एस अपने सीमेंट को, ठीक है। जो पानी में, मान लीजिए पानी हम यूज करते हैं जो सीमेंट के साथ, तो पानी में सल्फेट होता है, वो क्या करता है सीमेंट को ख़राब करता है। तो ये लेस रेसिस्टेंट है, मतलब ये कम अवरोध करता है इसको, ठीक है। सी3एस जो है वो लेस रेसिस्टेंट है, ज़्यादा नहीं बचा पाता है सल्फेट अटैक से सीमेंट को, ठीक है। तो सी3एस इसमें आपका यही है, कहने का मतलब कि जो पानी में सल्फेट है उससे बहुत कम बचाता है, लेस रेसिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, माने कम अवरोध है सल्फेट के बचाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, एक सी3एस हो गया, अब सी2एस के बारे में देखते हैं। तो हमारा हुआ सी2एस, देखिए इसकी मात्रा होती है सीमेंट में 32%, ठीक है। इट हाइड्रेट स्लोली, पहला पॉइंट, इट हाइड्रेट्स स्लोली। हाइड्रेट का मतलब बताए थे पानी के साथ केमिकल रिएक्शन जो होता है, तो ये बहुत धीरे धीरे करता है, ठीक है। इट हाइड्रेट स्लोली, और दूसरा, अब स्लोली होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी स्लो होगा, तो इट जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। जब रिएक्शन स्लो करेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी स्लो होगा, रिएक्शन से ही तो हीट निकलता है, देखे होंगे सीमेंट में जब पानी जाता है तो, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यह है, इट हार्डन मोर स्लोली। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है इसमें, इट हार्डन मोर स्लोली। ये जो हार्ड होता है, जो हार्डनेस इसमें आती है, इसके कारण बहुत, मतलब कि धीरे धीरे आती है, इट हार्डन्स मोर स्लोली, ठीक है, स्लोली स्लोली हार्ड होता है। और चौथा पॉइंट है, इट ऑफर मोर रेसिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, इट ऑफर मोर रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक, ठीक है। इट ऑफर्स मोर रेसिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, मतलब कि जो पानी में मौजूद सल्फेट है उससे बचाने में बहुत कारगर है, मोर रेसिस्टेंस है, अवरोधक इसका ज़्यादा है सल्फेट अटैक से बचाने के लिए, सल्फेट से हमें अधिक बचाता है सी2एस सी3एस की तुलना में, ठीक है। सल्फेट जो पानी में होता है उससे हमारा ये अधिक बचाता है, मोर रेसिस्टेंस माने कि अधिक अवरोध करता है सल्फेट से, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसकी मात्रा होती है सीमेंट में 11%, कहीं कहीं 10.5% भी दिया रहता है, ठीक है। देखिए तो पहला पॉइंट, इट काउजेज इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, इट काउजेज इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। इट काउजेज इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, जो शुरुआती जमाव काल होता है, सेटिंग होता है, इसी कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिएक्ट फास्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट फास्ट विथ
वाटर एंड जेनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका मतलब हुआ इट रिएक्ट्स फास्ट विथ वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट फास्ट करता है, ठीक है, सबसे तेजी से करता है, इंसेसिटी टाइम भी बढ़ाता है, एंड जेनरेट्स जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब फास्ट करेगा पानी से रिएक्ट तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो सी थ्री क्या करेगा, इंसेसिटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बढ़ाएगा, और ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट फास्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फ्लोराइड। C4AF इसकी मात्रा होती है 9%। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फ्लोराइड, देखिए पहला प्रॉपर्टी, इट हैज पुअर सीमेंटिंग वैल्यू, इट हैज पुअर सीमेंटिंग वैल्यू। सीमेंट के साथ जो इसका रिएक्शन होता है या फिर जो और भी अन्य प्रॉपर्टी होते हैं, सीमेंटिंग जो वैल्यू होती है, जो मतलब कि प्रॉपर वे से ये काम नहीं करता है, ठीक है, सीमेंट के साथ रिएक्शन में, इट हैज पुअर सीमेंटिंग वैल्यू, सीमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको ये मॉडिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सीमेंट का जो गुण है ये प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाता है, पुअर सीमेंटिंग वैल्यू, सीमेंटिंग का वैल्यू इसमें बहुत कम होता है अन्य की तुलना में, ठीक है। दूसरा हमारा हुआ सेकंड पॉइंट हमारा है, इट रिएक्ट स्लोली, इट रिएक्ट स्लोली विथ वाटर एंड जनरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। दोस्तों जब रिएक्ट स्लोली करेगा, जब रिएक्ट स्लोली करेगा वाटर के साथ तो क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब रिएक्ट फास्ट करेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होगा, और रिएक्ट स्लोली करेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट वेटिंग 50 kg। तो देखिए क्या होता है, वेट जो होता है 50 kg होता है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है वॉल्यूम। तो चलिए अगले पेज में देखते हैं। वेट जो होता है 50 kg होता है, और बिग प्रोजेक्ट के लिए हम मीट्रिक टन में इसका आदान प्रदान करते हैं, और एक टन में होता है 20 bag, ठीक है। और देखिए 1 m³ में होता है 1440 kg सीमेंट, ठीक है। तो 1400 kg बराबर 1 m³, तो 50 kg बराबर 1/1400 × 50। इसको जब आप सॉल्व करिएगा
तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0347 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका वही ऑप्शन में जो था 0.0347 इज द राइट आंसर। देखिए जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना है 0.0347, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट। एप्रोक्सीमेट कंटेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन ओपीसी। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की लगभग मात्रा होती है बताइए। ए 60-67%, बी 33-45%, सी 17-25% या डी 3-80%। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 60-67%। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द फाइननेस ऑफ ए सीमेंट। सीमेंट की सूक्ष्मता का परीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सा जांच किया जाता है। ए सेटिंग टाइम टेस्ट, बी ए स्लम्प कोन टेस्ट, सी साउंडनेस टेस्ट या डी एयर परमिलिटी टेस्ट बताइए। फाइननेस ऑफ सीमेंट जो किस टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं सॉरी बताइए कौन सा टेस्ट होगा। तीस टेस्ट होगा हमारा ऑप्शन डी एयर परमिलिटी टेस्ट। चलिए नेक्स्ट। व्हाई इज जिप्सम एडेड एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग सीमेंट। सीमेंट की ग्राइंडिंग के लिए जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। ए टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, टू इंक्रीज प्लास्टिसिटी, टू इम्पार्ट रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक या डी टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग क्या होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन डी टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग। जिप्सम एक रिटार्डर का काम करता है। जिप्सम क्या है देखिए, जिप्सम जो है ना एक रिटार्डर है, मंदक है ठीक है। इसको सीमेंट में हम मिलाते हैं ताकि जो इनिशियल सेटिंग टाइम हो इंक्रीज कर जाए ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाए ताकि समय मिले जमने का और आगे की प्रक्रिया होने में। तुरंत कोई करेंगे तो तुरंत हम पेस्ट लगाएंगे और तुरंत जम जाएगा तो वो अच्छा नहीं होता है, उसको समय के साथ एनर्जी गेन करना चाहिए ठीक है। तो टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग तुरंत जमने से रुकता है ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। निम्नलिखित में से किस अवयव के कारण सीमेंट त्वरित रूप से सेट हो जाता है, किसके कारण क्विक सेटिंग का गुण आता है। MgO, SiO2, Fe2O3 या Al2O3 बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी Al2O3। इसकी मात्रा होती है सीमेंट में 3-8%। ये क्या करता है इनिशियल सेटिंग टाइम उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है ठीक है। ए Al2O3 क्योंकि इसमें एल्यूमिनिया है ठीक है, बिकॉज इसमें एल्यूमिनिया है ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन जनरल विल ऑफर स्ट्रेंथ गेन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सामान्य रूप से सबसे लंबी अवधि के लिए ताकत प्रदान करेगी। ए फ्लाई एश, बी माइक्रोसिलिका, सी
राइस हस्क एस या डी स्लैग, बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्लाई एस। चलिए नेक्स्ट, वेट ऑफ सीमेंट इन ए स्टैंडर्ड बैग ऑफ सीमेंट अवेलेबल इन द ओपन मार्केट इज, खुले बाजार में उपलब्ध सीमेंट की मानक थैली में सीमेंट का वजन कितना होता है? तो सबको पता होगा ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 50 kg नेट। चलिए नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज इन्हेंस्ड बाई टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफोराइट इन सीमेंट, बताइए। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफोराइट है उसका क्या प्रॉपर्टी है, वो सीमेंट में क्या इन्हेंस करता है? फ्लैश सेटिंग, बी डिले इन सेटिंग, सी इनिशियल सेटिंग या डी फाइनल सेटिंग, बताइए। सीमेंट में कौन सा गुण टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफोराइट द्वारा बढ़ाया जाता है, कौन सा गुण बढ़ाता है? तो ये होगा ऑप्शन ए फ्लैश सेटिंग, ठीक है। देखिए फ्लैश सेटिंग कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, फ्लैश सेटिंग होता है, फ्लैश सेटिंग इट कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफोराइट विथ वाटर। देखिए क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, ये फ्लैश सेटिंग जो होता है वो होता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनेट का जो रिएक्शन है विथ वाटर, ठीक है, विथ वाटर, उसके आगे है विथ वाटर। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, फ्लैश सेटिंग बताते हैं इसमें। देखिए इट इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट प्लस टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफोराइट विथ वाटर, ठीक है, विथ वाटर काउजिंग रैपिड स्टिफनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट। क्या होता है, इसको मिलाते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और काउजिंग रैपिड स्टिफनिंग, तुरंत स्टिफ होने लगता है, मतलब टाइट होने लगता है, जमना स्टार्ट करता है और सीमेंट पेस्ट को बहुत ही स्टिफ बनाता है, मतलब कि सुघट्यता प्लास्टिसिटी जो होती है ख़त्म हो जाती है और टाइट होने लगता है, जमने लगता है, हार्ड होने लगता है, ठीक है। सीमेंट पेस्ट जो है वो स्टिफ होने लगता है, सीमेंट पेस्ट स्टिफ होने लगता है, मतलब कि हार्ड होने का कड़ा होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में एक देखिए।